नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा वीडियो है कि अगर आप सोचते हो कि हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम में और कोई नहीं है तो आपका जो बहम आज के इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपने ग्रुप में एक मैसेज पढ़ा था किसी का कि जो भाई ये कह रहा था कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे कोई मेडिसिन बताओ जिससे मैं मर के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर जाऊँ। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं उनके सबके साथ ऐसा होता है। क्योंकि कुछ साल तक तो हमें अपने आप पे डिपेंड होने में या अपने कुछ काम करने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है और कभी कभी हमें बहुत कुछ सुनना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम एक नए सिरे से, हर बार जब हम टूटते हैं एक नए सिरे से हम मेहनत करेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, तो आपको जो कामयाबी है, जो रिकवरी के साइन है वो जरूर मिलेंगे। ऐसे पड़े पड़े से बेहतर है कि आप कुछ करो, कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर हम सोच लेते हैं कि हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, अब हम चल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर हम कोशिश जारी रखेंगे, कोशिश जारी रखें और कोशिश करते रहेंगे, जब हम टूट जाए, हमें कोई रास्ता नज़र ना आए, तो तब आप एक काम कीजिए, कुछ दिन, 2-4-5 दिन, जितने दिन होगी आप रेस्ट करो, कुछ मत करो। लेकिन उसके बाद एक आपके दिल से आवाज़ फिर से आएगी कि आप कुछ करो। और जब यही कुछ करने की जब आपको लत लग जाएगी, बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे, तो मैं आपके साथ एक कमिटमेंट करता हूं और एक वादा करता हूं कि अगर आप ये बार बार गिरोगे उठोगे तो कुछ सालों के अंदर अंदर आप अपने आप पे डिपेंड हो जाओगे। इतने डिपेंड हो जाओगे कि अपने व्हील चेयर पे भी हो तब भी आप अपने छोटे मोटे काम, खुद के काम जो है आप करने लायक बन जाओगे। तो जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस भाई की हिम्मत देख के मैं उसको सलूट करता हूँ, क्योंकि उनकी लोअर लिम्स में बेचारों की इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी वो मिस्त्री का काम करते हैं और उन्होंने अपने लिए जो अपने घर में कुछ बना रहे थे सीमेंट से, आई थिंक कि हम लोग, हमारे हाथ पैर थोड़े थोड़े चलते हैं, बाकर के साथ भी चलते हैं हम लोगों की, फिर भी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन उस भाई ने बैठ कर वो जो एक सीमेंट की एक कॉर्नर बना रहे थे, अपने टैलेंट को और अपने काम को इतनी बेखूबी से निभाया उन्होंने कि अच्छे अच्छे कारीगर उनके आगे फेल हो जा रहे हैं, हो जाते हैं, ये देख के कि इस पोजीशन में भी उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से ये काम करके दिखाया है। तो अगर ये इंसान अपनी मेहनत से और अपनी एक कॉन्फिडेंस लेवल से ये सब कर सकता है, तो यार अगर हमारे हाथ चलते हैं तो क्या हम ये बोलें कि हमें कोई मेडिसिन दे दो और हम मर जाएं? मुझे बहुत बुरा लगा, बट मैं समझता हूँ उसकी परेशानी थी या उसे भी प्रॉब्लम थी, और उसे काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसी पोजिशन में कोई इंसान आता है। बट मैं उसके लिए भी कहता हूँ और आप सबके लिए भी कहता हूँ कि अगर आप टूटते हो, गिरते हो, आपको बहुत उदास हो जाते हो किसी टाइम में, तो एक्सरसाइज को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप कुछ दिन रिलैक्स करो, 2-4 दिन कुछ मत करो, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन आप फिर उठोगे और फिर मेहनत करोगे, और वही जो एक जज्बा है वो आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा और आप अपनी लाइफ में फिर से नॉर्मल तरीके से जीने लायक बन जाओगे। बाकी रही रिकवरी की बात, अगर आपके अंदर मूवमेंट्स हैं, सेंसिटिविटी है, तो आप कोशिश जारी रखो, आप कोशिश जारी रखो, कोशिश करना मत छोड़ो, और इतने काबिल बन जाओगे कि आप खुद के काम खुद करने लग जाओगे, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।